थाना रामगढ़ पुलिस एवं क्राइम ब्रांच पुलिस ने अवैध शस्त्र फैक्ट्री का किया भंडाफोड़। एक अभियुक्त गिरफ्तार। कब्जे से भारी मात्रा में अवैध असला व उपकरण बरामद। एसपी सिटी सर्वेश मिश्रा ने दी वार्ता कर मीडिया को विस्तृत जानकारी। आगामी नगर निकाय चुनाव 2023 के दृष्टिगत एसएसपी आशीष तिवारी द्वारा अवैध असला बनाकर बिक्री करने वाले अपराधियों को लेकर चलाए जा रहे अभियान के चलते थाना रामगढ़ पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर क्राइम ब्रांच की टीम के साथ शाहिद नगर में एक अधबने मकान से दबिश देकर मैं अवैध फैक्ट्री के एक अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया। इस संबंध में एसपी सिटी कार्यालय पर वार्ता के दौरान एसपी सिटी सर्वेश मिश्रा ने पूरी जानकारी दी। सर, किस तरह खुलासा किया गया था? देखिए, उच्चाधिकारियों के निर्देश पर अवैध शस्त्र फैक्ट्री के विरुद्ध जनपद में अभियान चलाया जा रहा था। उसी क्रम में थाना रामगढ़ पुलिस द्वारा एक गुडवर्क किया गया है। उन्होंने एक अवैध शस्त्र फैक्ट्री बरामद की है और उसके साथ में एक अभियुक्त राहुल, जो कि पहले भी कहते हैं अवैध शस्त्र निर्माण में जेल जा चुका है, उस पर गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा भी रहा है, उसको गिरफ्तार किया है। उसके पास से 2 तमंचे 315 बोर का, 12 बोर की एक कोनिया, 3 अधबने तमंचे तथा भारी मात्रा में उपकरण एवं अन्य सामग्री बरामद की गई है। और ये आदमी 4 से 5 हज़ार रुपये में इसे तमंचे को असामाजिक तत्वों को बेचता था। निश्चित रूप से इसकी गिरफ्तारी के बाद से इस तरीके के कार्यों पर विराम लगेगा और थाना रामगढ़ की पुलिस को इसके लिए पुरस्कृत भी किया जाएगा। सर, कितने साल से काम चल रहा है? ये 2019 से ये काम कर रहा था। इससे पहले भी ये 4 बार शस्त्र फैक्ट्री में जेल जा चुका है। कितने लोग शामिल थे अभी? अभी तक जो पूछताछ हुई उसके अनुसार अभी यही अकेले हैं और यही अकेले ही इसमें काम करता था।